एके यार वालो खुशी मना लो, इस खिलाड़ी को अपने खेमे में खिला लो। 2024 से पहले केकेआर के लिए बड़ी मजेदार खबर आई है। दरअसल केकेआर के खेमे के लिए एक बहुत शानदार है, केकेआर और राजस्थान इन दोनों टीमों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। एक ऐसा खिलाड़ी केकेआर और राजस्थान के लिए है जिसके तौर पर आईपीएल 2024 में जब ऑक्शन होगा तो इन दोनों टीमों को इस खिलाड़ी के पीछे जाना चाहिए। इस खिलाड़ी को लेने से इन टीमों को दो फायदे होंगे, इन टीमों की ताकत बढ़ जाएगी, इन टीमों की एक बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, इन टीमों को बहुत बड़ी टेंशन इन टीमों की खत्म हो जाएगी। जी हां, सबसे पहले बात मैं केकेआर की करता हूं, फिर राजस्थान के बारे में बताऊंगा। केकेआर के बारे में शाकिबुल हसन, केकेआर के बढ़िया खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर के तौर पर खिलाड़ी हैं, ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन शाकिबुल हसन केकेआर में 2023 में नहीं खेले और केकेआर के पास अभी भी कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी उसी तरीके की कर सके, टीम के लिए ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी कर सके, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करता हो, विकेट चटकाता हो। तो केकेआर की इस परेशानी को खत्म कर सकता है एक खिलाड़ी। अगर आईपीएल 2024 के ऑक्शन में केकेआर इस खिलाड़ी के पीछे जाती है तो बहुत फायदा होगा। नाम है रचिन रविंद्र, जी हां, न्यूजीलैंड का ये ऑलराउंडर भाई साहब कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है। विश्व कप के पहले मैच में जिस अंदाज में शतक लगाया है, रचिन रविंद्र केकेआर की इस टेंशन को खत्म कर सकता है। ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, केकेआर में ऊपरी क्रम पर कोई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नजर भी नहीं आता है, तो केकेआर के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की टेंशन को खत्म कर देंगे। उसके बाद में अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी में विकेट भी चटकाते हैं। तो जाहिर तौर पर शाकिबुल हसन के जो नखरे हैं, शाकिबुल हसन जिस तरीके से केकेआर को धोखा देते हैं और बाहर चले जाते हैं, खेलते नहीं है, तो शाकिबुल हसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर किंग खान अगर चाहे, केकेआर अगर चाहे, तो रचिन रविंद्र को शामिल कर सकती है। रचिन रविंद्र केकेआर की इस परेशानी को खत्म कर देंगे, ऊपरी क्रम पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और एक अच्छे ऑलराउंडर की जो कमी केकेआर के पास है उस कमी को दूर कर देंगे रचिन रविंद्र। तो जाहिर तौर पर रचिन रविंद्र के पीछे केकेआर को जाना चाहिए आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। उसके बाद में राजस्थान रॉयल की भी टेंशन दूर कर सकते हैं रचिन रविंद्र। दरअसल राजस्थान रॉयल के पास भी ऊपरी क्रम पर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सके, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बेहतर विदेशी विकल्प नहीं है राजस्थान के पास। तो अगर देवदत्त पड्डीकल के रिप्लेसमेंट के तौर पर, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी खासी रकम राजस्थान देवदत्त पड्डीकल को देती है, उसके बाद में उन्होंने जो रूट को भी खरीदा हुआ है, तो जो रूट भी वैसे जो रूट को ज्यादा मौके देते नहीं है राजस्थान वाले, लेकिन देवदत्त पड्डीकल और जो रूट को बाहर निकालकर अगर राजस्थान की टीम रचिन रविंद्र को शामिल कर लेती है तो एक अच्छा ऊपरी क्रम का बल्लेबाज मिल जाएगा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मिल जाएगा, देवदत्त पड्डीकल का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, नौजवान खिलाड़ी है, लंबे वक्त तक राजस्थान के साथ रह सकता है और गेंदबाजी भी कर सकता है। तो ये एक बेहतर विकल्प है, एडम जैम्पा को बाहर करके आप रचिन रविंद्र को खिलाइए, अच्छी बल्लेबाजी भी करेगा, गेंदबाजी भी करके देगा और राजस्थान के लिए ऊपरी क्रम पर एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी का विकल्प भी मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर राजस्थान और केकेआर इन दोनों टीमों को सबसे ज्यादा शूट करेंगे रचिन रविंद्र, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और इन दोनों टीमों को इस तरीके के खिलाड़ी की जरूरत है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करे, ऑलराउंडर हो, स्पिन ऑलराउंडर हो, बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करके मैच को जिता सके। तो रचिन रविंद्र के अंदर वो ताकत नजर आती है। तो जाहिर तौर पर केकेआर और राजस्थान इन दोनों टीमों के लिए रचिन रविंद्र बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में रचिन रविंद्र के पीछे इस बार ऑक्शन में बहुत सारी टीमें जाएंगी और कौन सी टीम आपको लगता है कि रचिन रविंद्र को खरीदने में कामयाब होगी? क्या केकेआर और राजस्थान के लिए रचिन रविंद्र सबसे बड़े कामयाब साबित हो सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।